सो ए व्हाट्सअप गाइस, कैसे सारे यार, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो यार। तो मुझे पता है मैं बहुत हफ्तों से इनएक्टिव था यार, तो उसका कारण कुछ है यार, मेरा रिजल्ट था, कुछ पर्सनल इश्यूज थे यार, और मेरा एडसेंस अटका हुआ था, मतलब अब तक अटका हुआ है यार, मतलब अब तक आया नहीं एडसेंस का कुछ, तो वो हो गया तो बता दूंगा। और यार मेरा एडमिशन का कुछ चालू है यार अब तक, तो आज थोड़ा फ्री था तो सोचा वीडियो अभी तुम लोग के लिए बना ही देता हूँ। तो ठीक है यार, अब इन सब बातों को अलग रखते एक साइड में और आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। और आज का टॉपिक है टॉप 5 हार्डेस्ट जिम बैटल्स ऑफ एश। तो यार इस पर्टिकुलर टॉपिक में यार मैंने मेरे फेवरेट हार्डेस्ट जिम जो एश ने अब तक फेस किया है वो है इसमें। सो ये मेरे थॉट्स है, तो यार प्लीज़ ये मेरे ऊपर बेस्ड है, यानी मेरे थॉट्स के ऊपर बेस्ड है। तो अगर तुम लोगों को कुछ मतलब ये होगा, मतलब यार जो भी है यार, मतलब गलत लग रहा है, तो मेरे को प्लीज़ कमेंट सेक्शन में तुम्हारी पर्सनल लिस्ट बताना। और एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जो मैं वीडियो के एंड में दूंगा, तो एंड तक देखना। और गाइस एक और चीज़ के लिए थैंक यू बोलना चाहता हूँ, 14K हो चुके हैं, ऐसे ही जल्दी से जल्दी 15K करो। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सो गाइस, जो जिम नंबर 5 पे आता है यानी जिम बैटल, वो है प्यूटर सिटी का जिम। तो यार मैं प्यूटर सिटी को इसलिए रखा हूँ इस लिस्ट में क्योंकि यार एश का ये पहला जिम बैटल था और इसमें वो फर्स्ट अटेम्प्ट में हार गया था और दूसरे अटेम्प्ट में भी हारने वाला था, बट वो जो ऊपर का जो फायर अलार्म है, अगर वो बचता नहीं और ऑनिक्स गीला होता नहीं और पिकाचू के थंडरबोल्ट से वो हारता नहीं, इसी की वजह से मतलब फिर भी वो हार रहा था, बट उसके वजह से वो मतलब जीता, बट उसके लिए वो हार थी, बट ब्रॉक ने उसे जीतने को मान लिया यार, मतलब उसको बैच दे दिया। सो ये उसके लिए बहुत हार्ड था, उसने पिकाचू को कुछ अलग सा मूव भी सिखाया था ब्रॉक के डैड के साथ। सो मतलब ऐसा ही कुछ पहला जिम बैटल था यार, और उसके साथ साथ यानी क्या कह सकते हैं, उसके पिजियोटो और बटरफ्ली ने भी कुछ ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया था यार, वो भी हार ही चुके थे ऑनिक्स के सामने। सो यार इन्हीं सब चीज़ों को मैंने ध्यान में रखते हुए यार प्योर सिटी का जिम बैटल को मैंने नंबर 5 की पोजीशन दी है। सो गाइस अब बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ, और दोस्तों जो नंबर 4 पे जिम बैटल है वो है सिनेबर आइलैंड का जिम बैटल। दोस्तों ये बैटल मतलब कैंटो रीजन का सबसे हार्डेस्ट बैटल बोल सकते हैं क्योंकि नीचे लावा के ऊपर तुम बैटल कर रहे हो यार, बट उससे भी एक हार्डेस्ट है जो भी आगे इसमें है। तो इसमें क्या हुआ था यार, पिकाचू मतलब मरते मरते बचा था इसमें और फिर ऐश ने हार मान ली थी उसके मैगमार के सामने। तो गाइज इसमें क्या हुआ यार, ऐश को फिर बाद में अपने चार हजार की मदद लेनी पड़ी यार, बट बाद में जब मुसीबत आ पड़ी तब चार हजार उसकी मदद करने को तैयार हो गया। सो गाइज और फिर उसके बाद जाके उसने मैगमार को हराया यार चार हजार ने। सो मतलब ये कह सकते हैं उसके लिए बहुत डिफिकल्ट था, बहुत डिफिकल्ट था। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सिनेबर आइलैंड का जो जिम बैटल था उसको मैंने नंबर 4 की पोजीशन दी है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं यार नंबर 3 की तरफ। दोस्तों नंबर 3 पे जो जिम बैटल स्पॉट करता है वो है सैफ्रॉन सिटी का जिम बैटल, जिसकी लीडर है वो साइकिक टाइप वाली यार, ये बहुत खतरनाक थी ऐश के लिए क्योंकि यार ऐश को इसको एक नहीं दो नहीं तीन चार ऑलमोस्ट 3 अटेम्प्ट्स तो लगे थे इसको हराने के लिए, क्योंकि उसको जाना पड़ा था लेवेंडर सिटी में, उधर जाके उसको गोस्ट टाइप पोकेमोन पकड़ना था उसके कैडाबरा को हराने के लिए दोस्तों। सो फिर उसने वो किया, बट उसके बाद भी उसको 3-4 अटेम्प्ट्स और लगे क्योंकि हॉन्टर जो उसने लेके आया था भाई वो उसके सामने आने को तैयार नहीं था, बट लास्ट में वो हॉन्टर सबरीना को हंसा के उस ऐश को जिता देता है हमारे, और उसके बाद ही ऐश को बैच मिलता है यार सैफ्रॉन सिटी का। सो यार ये बहुत ही डिफ़िकल्ट बैटल था ऐश के लिए, बट फिर भी हमारा ऐश जीता, तो इसी वजह से नंबर 3 के स्पॉट पे रखा है सैफ्रॉन सिटी का जिम बैटल। सो गाइस बढ़ते हैं नंबर 2 की तरफ। नंबर 2 पे जो जिम बैटल है वो एक्चुअली में वो अभी याद नहीं है, बट ये हुआ था जोटो रीजन के 8th जिम मैच पे, अगर तुम्हें वो याद है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना मेरे को यार। तो इस वक्त इस बंदी का ड्रैगन एयर रॉक कर रहा था उसके सामने ऐश के सामने, तो ऐश हरा नहीं पाया था फर्स्ट अटेम्प्ट,
तो सेकेंड अटेम्प्ट में ऐश के 4000 को ऐश स्पॉट हुआ था, तो वो उसके पास दौड़ा दौड़ा आया था। सो मतलब उसके बाद यानी ऐश के 4000 की हेल्प लेके ऐश ने अपनी 4000 की हेल्प लेके इसे हराया था, क्योंकि यार ऐश ने अपना दिमाग बहुत ही अच्छे से लड़ाया था ड्रैगनेयर को हराने के वक्त। और मतलब बहुत ही डिफ़िकल्ट मैच था यार, पहले अटेम्प्ट में भाई ऐश ने कतई हक दिया था यार, और कुछ नहीं बोल सकता मैं कतई। अब तुम लोग अपना रिव्यू दे दो इसके ऊपर, ठीक है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो यार और कुछ नहीं बोल रहा यार, ऐश का रिजल्ट रियली रॉक्स यार। वो अगर वो और उसकी ट्रेनिंग नहीं काम आती ना, तो यार ऐश कभी भी ये बैच जीत नहीं पाता। तो इसी वजह से इस जिम बैटल को नंबर सेकेंड का स्पॉट दिया है। सो बढ़ते हैं नंबर वन की तरफ। दोस्तों नंबर वन पे वो है जो कार्लो सीजन का 8th जिम बैच है, यानी इस बंदे का। अब इस बंदे का भी नाम मुझे याद नहीं है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके मेरे को याद दिला देना। सो यार इस बंदे का टाइम यार, पहले तो ये कोई एवोकार्ड जैसे पोकेमॉन इस्तेमाल करता है यार, मेरे को अभी भी उसका नाम नहीं आता, ये प्रनाउंस करने नहीं आता। सो पहले अटैम्प्ट में ऐश ग्रेनिंजा हार जाता है, बुरी तरीके से हार जाता है। भले ऐश ग्रेनिंजा हाफ डन, या फिर तुम लोग कह सकते हैं ऐश ग्रेनिंजा ओमेन फॉर्म, मतलब ऐसा है, तो वो यूज़ करके मतलब वो उसके सामने हार जाता है। और लास्ट में यानी दूसरे अटैम्प्ट में जब वो अपना एबामस को यूज़ करता है, तो उसके सामने ऐश ग्रेनिंजा आता है, और ऐश ग्रेनिंजा एक परफेक्ट मास्टर फॉर्म हो जाता है तब का। और वैसे तरह से वो उसको हरा देता है, उसके एबामस को कोई नहीं बल्कि उसके मेगा एबामस को यार। तो मेगा एबामस मेरा भी फेवरेट है, तो यार मतलब हार गया तो क्या है, मतलब ऐश जीत गया, मतलब ये बैटल बहुत ही हार्ड था उन दोनों के लिए यार। तो इसी वजह से मैंने इस जिम बैटल को नंबर वन की पोजीशन दी है। सो गाइस ये था आज का वीडियो, टॉप 5 हार्डेस्ट जिम बैटल्स ऑफ ऐश। तो यार कैसा लगा प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में बताना, और यार चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यार हम 15K का बहुत पास है। तो यार और अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर देना, और आज का जो वीडियो का लाइक है भाई वो है 300 लाइक्स का। जी हाँ गाइस, 300 लाइक्स का वीडियो लाइक एम कंप्लीट कर देना। सो यार अब से यार डेली मतलब हफ्ते में 2 वीडियोस तो आएंगी, यानी मतलब मैं ऑनलाइन रहूँगा यूट्यूब पे। सो यार मेरे सारे काम्स कंप्लीट हो चुके हैं यार, लगभग मेरा एडमिशन भी कंप्लीट हो चुका है, सो मैं लगभग फ्री हो चुका हूँ। और जो आती है मेन मुद्दे की बात, इंपॉर्टेंट बात, तो उन व्यूवर्स के लिए यार जो लोग मेरे यानी गेम प्ले वीडियोज़ को बहुत पसंद करते हैं यार, तो उन लोगों के लिए ये मतलब कह सकता हूँ, तो ये उन लोग के लिए बात है कि मैं एक दूसरा चैनल क्रिएट करने वाला हूँ जिसमें मैं बस गेम्स खेलने वाला हूँ। और मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना तुम लोग को पहला कौन सा गेम खेलते हुए मेरे को देखना है, और वही गेम मैं खेलूँगा जिसके ज़्यादा ना सजेशंस आए। तो यार तब तक के लिए मस्त में रहो, मज़े करो, और मिलता हूँ अगले वीडियो।